करनाल में नीलोखेड़ी के पास कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार सभी चार लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार धू-धू करके जल गई और हादसे में मरने वाले सभी दिल्ली के हरिनगर के ही निवासी थे। करनाल के शामगढ़ गांव के पास जीटी रोड पर अमृतसर से दिल्ली की तरफ जा रही एक कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार धू-धू कर जलने लगी। कार में सवार दिल्ली के हरिनगर के संचित चोपड़ा, उनकी पत्नी भावना चोपड़ा, 58 वर्षीय महिला निशा भोला और 7 साल की बच्ची तुषारिका चोपड़ा की कार में जलने से मौत हो गई। अमृतसर से गए हुए थे होली से पहले, तो अभी परिवार वापस आ रहा था अमृतसर से, तो ये दुर्घटना हुई है रात लगभग 3:30 बजे। गाड़ी का नियंत्रण खोने से सड़क कई तरफ आ गई, जिस गाड़ी में मेरा भांजा था, उसकी पत्नी, उसकी 7 महीने की बेटी और उनकी मदर इन ला थी, तो चारों मौके पर ही ख़त्म हो गए। तो ये दिल्ली के रहने वाले थे, हरिनगर के, चारों के चारों बहुत ये दुखद हुआ है हम लोगों के लिए, परिवार के लिए। ये परिवार अमृतसर में होली मनाने गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए करनाल भिजवा दिया। करनाल से मीनपाल, फोकस हरियाणा।